नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं रूफिंग शीट के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजफुल टॉपिक है ये, क्योंकि दोस्तों रूफिंग शीट जो है हम पहले जो है मैक्सिमम जो है गांव घर में छत के ऊपर यूज़ करते थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ इसका यूज़ बढ़ने लगा है। लोगों ने इतना सोचा नहीं था कि इसका यूज़ बढ़ जाएगा, खासकर इसका यूज़ जो है इंडस्ट्रियल एरिया में बढ़ने लगा है। और शहरों में भी बहुत जगह लोग यहाँ पर शीट देने लगे हैं। छत के ऊपर कोई जगह ढकनी है तो वहाँ पर टीन शेड देने लगे हैं, और उसमें भी टीन शेड में अलग अलग तरह की शेड्स आती हैं। तो इसमें जो रूफिंग शेड्स हैं, जो अलग अलग तरह की जो शेड्स हैं, इनको कहाँ पर यूज़ करना चाहिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार लोग जो है इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन वहीं 2-3 महीने के अंदर इसमें जंग लग जाता है या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं या पानी चूने लग जाता है। तो ऐसे में आपको कौन सा रूफिंग शेड जो है कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आज हम डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे कि आपको कौन सा रूफिंग शेड कहाँ पे यूज़ करना है। तो दोस्तों ऐसे में आज आपको मैं एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो नीचे लाल कलर बटन दबा के सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब तो लाल हो गया है, काला हो गया, पता नहीं लगता है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दें आप। और ऐसे में दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के एंड में जाकर के आप पूरी वीडियो देखें, उसके बाद वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करें। लाइक करने के बाद दोस्तों अगर वीडियो और किसी के लिए इंफॉर्मेटिव है तो आप शेयर जरूर करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो रूफिंग शेड्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो शेड है वो यहाँ पे है टीन शेड। टीन शेड को दोस्तों यहाँ पे मैक्सिममली मैंने देखा है गाँव घर में से लेकर के घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसके बाद आता है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये एक सीमेंट की शीट होती है जो कि आप अपने छत के ऊपर यूज करते हो। मगर इन दोनों में डिफरेंस, मेन डिफरेंस जो आ जाता है वो वेट का आता है। और प्लस दोस्तों एस्बेस्टोस जो है ये आपका थोड़ा सा आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बट इन दोनों में सो वेट का तो मेन डिफरेंस आता ही है, साथ में आपका अगर गर्मियों का सीजन है तो यहाँ पे ये नॉर्मल जो टीन शीट जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो सीमेंट का एस्बेस्टोस आता है वो जल्दी गर्म नहीं होती है, जिस कारण से बेनिफिट क्या होता है आपको किसी भी इन्वायरमेंट में आपको उस कमरे के अंदर रुकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है। टीन शेड के अकॉर्डिंग टीन शेड में आपको जल्दी गर्म हो जाती है और ठंड के मौसम में जल्दी ठंडा होता है कमरा। और ऐसे ही एस्बेस्टोस में भी कुछ ज़्यादा यहाँ पर रेजिस्ट करता है इन्वायरमेंट के अगेंस्ट। तो ये तो मेन दो है जो आपको मैक्सिममली यूज़ करते हुए आपको दिखाई देते होंगे और आपने खुद भी यही दो यूज़ किए होंगे, मगर इससे भी अच्छे और अब आने लगे हैं। तो इन दोनों का सबसे बड़ा बात क्या है कि इसमें सबसे एस्बेस्टोस जो है, पहले एस्बेस्टोस को देख लेते हैं। एस्बेस्टोस जो है आपका थोड़ा हैवी इन वेट होता है, बट इसको लगाने के कारण आपको एनवायरमेंटली बहुत सारी दिक्कतें जो होती हैं उसमें आपको काफ़ी सारा रिलीफ मिलता है। जैसे गर्मियों में भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है, ठंडियों में भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। बट इसको भारी होने के कारण इसको आपको यूज़ बहुत सावधानी से करना होता है, क्योंकि दोस्तों ये टूटती बहुत जल्दी है, अगर आप इसको पटकेंगे तो ये टूट जाएंगी। तो ऐसे में आपको एस्बेस्टोस आपको बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अब आ जाते हैं टीन शीट के ऊपर। टीन शीट का आपको एडवांटेज क्या है, ये लाइट वेट है सबसे बड़ी बात। इसको आपको लाइट वेट होने के कारण इसको लगाना बहुत ही आसान है। आप उसको कैसे भी लगा सकते हो, अपने घर पे गए, अपनी छत पे गए, अपना नट बोल्ट से आप इसको फिक्स कर सकते हो। तो ऐसे में इसको लगाना जितना आसान है वैसे ही इसके एडवांटेजेस भी हैं। इसके साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो सही आता है कि इसको इन्वायरमेंट के साथ जब भी आप ये कनेक्शन आता है इसका, तो यहाँ पे आपको ये गर्मी में जल्दी गर्म होती है, ठंडी में जल्दी ठंडी होती है, और ये बहुत पतली होती है दोस्तों, ये शीट बहुत पतली होती है। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टीन शीट भी है, कई तरह की आती है, इसमें एक बहुत पतली आयरन टीन शीट भी आती है जिसका यूज जो है नॉर्मली जो है 2-3 साल जिनको मैक्सिममली 2-3 साल यूज करना होता है वो इस आयरन की पतली शीट को यूज करता है, जो कि बहुत ही पतली होती है, पापड़ की तरह पतली होती है, जो कि मैक्सिमम आपका 2-3 साल में खराब हो जाती है, जंग लग जाता है और चूने लग जाती है। टीन शीट में दोस्तों ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अगर इसको आप टीन शीट को आप ज्यादा मोड़ते हो, फोल्ड करते हो, तो उन जगहों से ये क्रैक्स होने की और वहां से चूने की संभावना बन जाती है। मतलब बरसात के मौसम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ बरसात के मौसम में नहीं, अगर ज्यादा ठंड पड़ रही है और आप उस कमरे को नॉर्मली यूज करते हो रहने के लिए, तो वहां पे ह्यूमिडिटी के कारण ठंड में आपको टीन से पानी चूता हुआ दिखाई देगा।
अब दोस्तों यहाँ पे तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है पफ पैनल सीट। अब ये पफ पैनल सीट क्या है, ये थोड़ी कलरफुल होती है। इसके जो ऊपर जो होता है ऊपर भी टीन शेड होती है, नीचे भी टीन शेड होती है और बीच में यहाँ पे फॉर्म फिल किया जाता है। इसमें इसको पफ पैनल इसलिए बोला जाता है कि बीच में फॉर्म होता है। इसमें दोस्तों पॉलीयुरेथेन फॉर्म और प्लस आपके टीन शीट को मिला करके इस शीट को तैयार किया जाता है इसमें, और बहुत सारे वेरियस कलर में आता है। और मेनली दोस्तों मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इसमें व्हाइट कलर यूज़ करते हो तो सबसे बेस्ट है। व्हाइट कलर यूज़ करने का बेनिफिट क्या है, ये थोड़ा सा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिस कारण से आपका जो घर है जहाँ पर आप रह रहे हो उस एनवायरमेंट में रह रहे हो तो वो आपका घर जल्दी गर्म नहीं होता है। प्लस दोस्तों ये पफ शीट जो आप यूज़ करते हो, पफ पैनल शीट जो यूज़ करते हो आप दोस्तों, इसका बेनिफिट क्या है, ये ऊपर टीन शीट होती है, बीच में जो यहाँ पे फॉर्म यूज़ होता है और नीचे जो फिर से टीन शीट होती है, थोड़ा सा ये कॉस्टली ज़रूर पड़ता है बट ये आपको इन्वायरमेंटली काफ़ी बेनिफिट देता है। कैसे, आपके घर को जो है ये ठंडा रखता है, प्लस आपका जो बारिश होती है, बारिश में अक्सर जो आपका नॉर्मल टीन शेड्स होते हैं या फिर आपका एल्वेस्टर्स होती है उसमें आवाज़ थोड़ी कम आती है एल्वेस्टर्स में, और टीन शेड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। मगर आप यहाँ पे पफ पैनल जो है यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम आवाज़ देखने को मिलती है, मतलब कि ना के बराबर देखने को आवाज़ मिलती है। और ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि आप इस पफ पैनल को ऐसे में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या आया कि आपको गर्मी में ज़्यादा गर्मी देखने को नहीं मिलेगी, ठंड में आपको उस कमरे में ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगी, प्लस बारिश होती है तो उसकी आवाज़ जो है आपके कमरे में बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसे में इस शीट को आप यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों चौथे रूफिंग शीट की तरफ आ जाते हैं। अब दोस्तों ये रूफिंग शीट जो है हमारा कलर कोटेड रूफिंग शीट है। ये रूफिंग शीट भी ऑलमोस्ट आपका पफ रूफिंग शीट की तरह है, बट इसमें एक अंतर आ जाता है, ये उससे थोड़ा सा सस्ती पड़ती है, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि ये कलरफुल है मगर इनकी जो मेटल है वो थोड़े से हैवी होते हैं। और इसकी ये नॉर्मल आपका टीन शेड की तरह ही हो गया। इसमें जैसे कि आप जीआई शीट, जो भी आपका जीआई शेड है या जो भी आपका टीन शीट है जो आप यूज़ किया आपने, उसी की तरह के सारी एडवांटेजेस हैं। इसमें आपको लगाना बहुत आसान है, प्लस ये फायर रिटार्डेंट होते हैं। इसमें सजेशन ये है कि आप वाइट कलर यूज़ करें। वाइट कलर यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि ये आपका सनलाइट को और किसी भी एनर्जी को, किसी भी तेज लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिस कारण से उस कमरे में आपकी जो गर्मी ठंडी का मौसम है वो थोड़ा सा बना रहता है। ठीक, अब ऐसे में फायर रिटार्डेंट होने के कारण ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपका आग वाग लगने का जो इसमें कम चांसेस हो जाते हैं इन शीट्स में। प्लस साथ में एस्थेटिकली ये जो आपके घर को है बहुत ही गुड अपील करवाते हैं, मतलब कि आपके घर को एक अलग ही लुक देते हैं, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके चार हैं। अब इनको आपको यूज़ करना कहाँ है, इनको आपको अपने हिसाब से देखना है। अब इस पर कुछ और आ जाते हैं, जैसे कि आपका पॉली वाला पीवीसी आ जाता है, पीवीसी शीट आ जाती है। पीवीसी शीट का आपका यूज़ क्या होता है, ये होते तो आपके प्लास्टिक के हैं, प्लस इसमें ये, लेकिन ये आपके फायर रिटार्डेंट नहीं होते हैं, ये इसमें आपके आग लग सकती है बट ये भी एक लाइट वेट होते हैं। बट पीवीसी शीट में आपका बेनिफिट क्या होता है, बहुत लाइट होते हैं मगर आपको कहीं पे लाइट की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और उसके आर पार आपका लाइट जो है आराम से हो जाती है, जिस कारण से उस जगह पे प्रॉपरली जो है लाइट की कमी नहीं होती है, मगर यहाँ पे आपको गर्मी और ठंड से ज़्यादा आराम मिलने की संभावना नहीं होती है। तो ऐसे में आप पीवीसी शीट को अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट होता है और इनकी लाइफ जो है मैक्सिमम 10-15 ईयर्स होती है, और इसमें भी बहुत अच्छे क्वालिटी और बहुत ख़राब क्वालिटी के भी आते हैं, बट ये कि इनकी लाइफ मैक्सिमम जो है 10-15 ईयर्स आपके होते हैं, तो आप ऐसे में इनको यूज़ कर सकते हो। लाइट वेट होने के कारण इसको भी आपका लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। आप नॉर्मली, ऐसा नहीं है कि आपको काफ़ी अच्छे वर्कर को ही पकड़ना पड़ेगा इसको लगाने के लिए, आप नॉर्मली आप खुद से भी इसको लगा सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि यहाँ पे पीवीसी और पॉलीकार्बोनेट शीट, ये दो प्रकार के शीट होते हैं, इन दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट एक तरीके के होते हैं लेकिन लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप इनमें से किसकी तरफ जाएं, मेरा सजेशन ये रहेगा आप पीवीसी की तरफ जाएं। पॉलीकार्बोनेट भी अच्छा है और पीवीसी भी अपनी जगह पे काफ़ी अच्छे शीट्स आते हैं, तो इनमें भी क्वालिटी में भी डिफरेंस करता है कि आपको काफ़ी लो क्वालिटी के मिल जाएंगे जो कि आपको बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे और रोशनी काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन आप इसमें हाई क्वालिटी भी मिलेगा जो आपको बहुत लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी आपको देगा।
आपको किस हिसाब से यूज है, आपको 2-3 साल के लिए यूज करना है मैक्सिमम, तो उस हिसाब से आप इन दोनों की क्वालिटी पे ध्यान देकर ले सकते हैं। और इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे वेदर को लेकर के ड्यूरेबल है। अब ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं जो कि आप लगा सकते हो, क्योंकि दोस्तों लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इन्हीं का यूज करते हो और करते आ रहे हो, और अभी भी आगे चल के इनका यूज होने वाला है। इंडस्ट्रियल एरिया में मेटल कोटेड जो GI शीट्स होती हैं उनका यूज होता है। अब आपको लगाते टाइम पे किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है खासकर, जैसे कि आपको कौन सा मटेरियल लगवाना है, प्लस साथ में आपको डेड लोड तो कहीं आपके मकान पे बढ़ नहीं रहा है रूफिंग शीट लगाने के कारण, एस्बेस्टोस लगाते हो तो वहां पे कुछ डेड लोड आपका बढ़ता है, और प्लस आपको जरूरत किस हिसाब से है, क्योंकि जरूरत जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों फैक्टर है दोस्तों, क्योंकि जरूरत का अकॉर्डिंग आपको कितने टाइम के लिए लगाना है। बहुत बार लोगों को 2-3 सालों के लिए यूज करना होता है, तो उस हिसाब से अपना रूफिंग शीट के बारे में आप ज्यादा महंगे के ऊपर तरफ ना जाए। अब बात आ जाती है यहाँ पे कॉस्ट फैक्टर की, कॉस्ट भी आपको ध्यान रखना होता है कि ज्यादा कॉस्ट जो है आपको किस में पड़ने वाला है, प्लस लाइफ आपको किस में मिलने वाली है, ज़्यादा बेनिफिट आपको किस में मिलने वाला है, ये सब कुछ को आप ध्यान रख करके अपने घर में लगा सकते हो रूफिंग शीट। और लास्ट और लीस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेंटेनेंस, इसमें आपको मेंटेनेंस सबसे कम किस में पड़ेगा, क्योंकि मेंटेनेंस ऐसा फैक्टर है कि मेंटेनेंस के बिना आपका ये टीन शीट जो है लॉन्ग टर्म चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको इसमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें आपका कोई भी आप नोकीली चीज़ें इसमें यूज़ ना करें जो भी लगाने के बाद, क्योंकि नहीं तो फिर ये चूने लग जाएंगी, और प्लस ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है वेदर से रिलेटेड जो कि आपको मेंटेनेंस में आपको ध्यान रखनी पड़ती है। ये छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ दिक्कतें आ रही हो, आपको कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछें, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। प्लस दोस्तों आजकल वीडियोस बड़ी कम हो गई हमारे चैनल पे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए वीडियोस बहुत कम हो गई हैं, और थोड़ा दोस्तों वीडियोस कम होने के कारण बातों में भी फंबल हो रहा है। जल्दी दोस्तों वीडियो हमारे चैनल पे कंटिन्यू होंगी, उस हिसाब से मैं आपको टाइम टाइम अपडेट देता रहूँगा। लेकिन दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।